जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल बटन क्लिक जरूर करिएगा ताकि आपको रोज नए वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए आज हमने यहाँ पर लिया है 2 ब्रेड के पीसेस और ये घर में जो मलाई बनती है ना दूध की निकलती है वो हमने ली है। और उसको देखिए, ये है बचपन का दूसरा जो सबसे फेवरेट स्नैक जो मेरी मॉम बनाया करती थी ना। आई एम श्योर बचपन में आपकी मॉम ने भी बहुत बार बनाया होगा ये मलाई। बच्चे नहीं खाते तो कैसे खिलाएं, तो ये ब्रेड के ऊपर मलाई लगा दी हमने। दूध से मलाई इकट्ठी होती रहती है तो कैसे बच्चों को खिलाएं ना फ्रेश मलाई, ये बहुत अच्छा तरीका हुआ करता था। और ये देखिए इसके ऊपर अब हम डालेंगे चीनी। देखिए चीनी को स्प्रिंकल कर देंगे। किस किस ने बचपन में ये खाया है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, आई वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू। पर ये बहुत अच्छा तरीका था, स्पेशली बच्चे जिनको मलाई पसंद नहीं आती ना, जैसे मेरे जैसे, उनके लिए तो ये परफेक्ट, मॉम्स के लिए परफेक्ट तरीका हुआ करता था। और हल्का सा इलायची पाउडर, आप मलाई कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। और ये बचपन का हम स्पेशल स्नैक यहाँ पर बना रहे हैं, ऐसा स्नैक जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, इंस्टेंट होता है, 5 मिनट में बनता है और हर कोई बना के खा सकता है इसको। ये देखिए ये स्वीट भी होती है, इंस्टेंट स्वीट भी होती है, डेजर्ट ना जो आप खा सकते हैं। मॉम जो होती थी वो हमेशा, मुझे याद है कि हर मॉम अपने बच्चों को संग प्रेयर्स भी बहुत करती थी, तो हम सब भी यहाँ मिलकर प्रेयर्स करेंगे सभी के स्वास्थ्य के लिए कि सब लोग स्वस्थ हो जाएं, सब कुछ बैक टू नॉर्मल रहे हमेशा। इसी के लिए आइए साथ में प्रेयर करते हैं। और अब हम घी लगा देंगे ऊपर नीचे, क्योंकि बचपन में तो घी खिलाना ज़रूरी होता है बच्चों को, राइट? तो घी लगाती थी मॉम, तो बिल्कुल बचपन की यादें यहाँ पे रिक्रिएट कर रहे हैं। तो चलिए आंख बंद करके एक छोटी सी प्रेयर भी यहाँ पर करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है, बचपन की खट्टी मीठी यादें याद आ रही हैं, तो लाइक करिए, कमेंट्स में बताइए हमें, वी वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू। अच्छा लगा, याद आया, और अगर आपको बचपन याद आ गया तो अपने मॉम डैड को ज़रूर कॉल करिएगा और आज ये बना के उनको फ़ोटो भेजिएगा उनको ज़रूर, और बताइएगा कि कैसे आपको कैसे अपने बचपन के दिन याद आ गए। माय मॉम इज़ वाचिंग दिस लाइव, द फाउंडर ऑफ जायका का तड़का विजय हल्दिया जी, वो तो उनको तो मैंने फ़ोन करके ही बता दिया। देखिए शी इज़ जस्ट, देखिए क्या शानदार है ना, बचपन के दिन याद आ गए। ये ज़बरदस्त रेसिपी आपके लिए रेडी है, ज़रूर एक बार बच्चों को इंट्रोड्यूस करिए। देखिए मलाई खाना बहुत अच्छा होता है उनके लिए, तो इंट्रोड्यूस करिए, बनाइए अपने बच्चों का बचपन स्पेशल, बनाइए जैसे आपका भी बना, मेरा भी बना, हम सबका बना, और बताइए कैसा लगा। मिलेंगे दोबारा, जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। बाय बाय एवरीवन।